मैं शुरुआत करना चाहूँगा ये कह के कि हो रहा है देश में पेट्रोल पर हाहाकार, हो रहा है देश में पेट्रोल पर हाहाकार, जुमले छोड़ दाम पर लगाम लगाए मोदी सरकार। ये तुरंत आज की मांग है। भाजपा कब तक करेगी अत्याचार, हम कब तक सहेंगे महंगाई की मार। और मैं अपनी कांग्रेस तरफ से एक वक्तव्य पे आने से पहले, एक चौंकाएगा आपको वक्तव्य, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से पूछो, जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से पूछो महंगाई कैसे जान लेती है, किसी गरीब से पूछो। अब जो वक्तव्य का मैंने जिक्र किया दोस्तों, वो वक्तव्य है, मैं आपको एग्जैक्ट जैसा कांग्रेस का स्टैंड है वो पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद एक चौंकाने वाला वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वक्तव्य के शब्द सुनिएगा ध्यान से। वो वक्तव्य है, देश में जिस, ये हमारी मांग है, ये हमारा वक्तव्य है 100%, देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, यह सरकार के शासन चलाने की नाकामयता उसका यह जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत भारी बोझ होने वाला है। एक एक शब्द ध्यान से सुने, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा और कांग्रेस बिल्कुल ही आशा करती है, मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीर रूप से लें और पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए गए हैं उन्हें वापस लें। ये हमारी मांग, कृपा आप पहुंचा दें प्रधानमंत्री तक। लेकिन एक क्षमा चाहूंगा, मैं कानूनविद भी हूं तो कहीं मुझे प्लेजरिज्म यानी कॉपी करने का आरोप नहीं लग जाए, इसलिए मैं खुलासा भी कर देता हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, माफी चाहता हूं, ये इनके शब्द हैं। एक एक शब्द जो मैंने पढ़ा अभी, हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो उसको वापिस करें। ये दूसरा वीडियो गैस के बारे में, इनको भी सुन लीजिए साथ साथ, वो तो पेट्रोल के बारे में था, ये तो 15 सेकंड का है गैस के बारे में। तो घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर चोरी हो गया, अब उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, तो जैसा मैंने कहा कि मेरा विनम्र निवेदन है कि आवाज किसी की भी हो, जो आवाज़ के अंदर शब्द हैं उनका अनुयायन कृपा करें। आपको हमारी आवाज़ पसंद है तो हमारी आवाज़ का अनुयायन करें, अपनी आवाज़ पसंद है तो उसका करें, लेकिन पालन तो करें, ये मैं विनती करता हूँ, देश विनती करता है, कांग्रेस विनती करता है। दो रोचक बिंदु और, एक रोचक बिंदु है कि आपने इसमें शब्द सुना और चीज़ों पर भी बोझ पड़ने वाला है, ये वाक्य याद आया, सुना आपने भी, तो और चीजों में बोझ पड़ने वाला है। ये माननीय शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर ने अभी 4 दिन पहले कहा है, 3 दिन पहले, आपके संज्ञान में होगा, प्रकाशित है। पहले तो बोल रहे हैं आज के प्रधानमंत्री, अब बोल रहे हैं आरबीआई के गवर्नर, वो बहुत वरिष्ठ एक फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले इस सरकार में। उन्होंने इन्हीं कीमतों के बढ़ोतरी के विषय में कहा कि इनको कम करिए, कांग्रेस को भूल जाइए, मैं किसी और के शब्दों की बात कर रहा हूं। दूसरा कहा कि इनको कम करिए, क्योंकि वही शब्द
और चीजों पर बोझ पड़ेगा। तीसरा बिंदु, पिछले 3 हफ्तों से मेरे को बड़ा रोचक लगा ये, मैं हर हफ्ते एक वाक्य सुनता हूं माननीय वित्त मंत्री से, निर्मला जी 3 हफ्ते से हफ्ते में एक दिन हर दिन यही कहती है, मतलब एक हफ्ते में एक दिन 3 बार कह चुकी हैं कि इन सब कीमतों का, पेट्रोल डीजल और गैस का, धर्म संकट है। ये बड़ा रोचक वाक्य है, तो मैं पूछना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री से कि धर्म संकट का मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी आपके धर्म संकट है? क्या इसका अभिप्राय है कि आप कम करना चाहती हैं, चाहे तो कम हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री करने नहीं देते आपको कम? अरे भाई, अगर देश के वित्त मंत्री को धर्म संकट है तो आम आदमी की क्या हालत होगी? देश का वित्त मंत्री अगर कीमत कम नहीं कर सकता तो आप और हम क्या करेंगे? तो ये कैसा धर्म संकट, क्या बाधा है? 3 बार बोला उन्होंने धर्म संकट। तो दोस्तों, मैं डिटेल्स में आने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी ये कह रहा है, आम आदमी ये कह रहा है कि जिंदगी की तन्हाई लिखूं या भाजपा की रुसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या घटती हुई कमाई लिखूं, इसका उत्तर सिर्फ सन्नाटा है। और या ये गूंजती हुई आवाज जो मैंने पुरानी आवाज अभी चलाई है, दो ही चीजें हैं। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।